सदा तो हम जैसों को मिली हुई है, रोज रोज इंजेक्शन, कभी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, गोलियां खाने को मिल रही है। उनको क्या है, जेल में बैठे हैं वो तो, खाने का अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, ये मिल रहा है। ये है दुल्हन तनिष्का, जो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बता दें कि घर से ससुराल जा रही दुल्हन तनिष्का पर दरिंदों ने ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया था। तनिष्का को 6 गोलियां लगी, हालांकि अभी तक डॉक्टर सिर्फ 1 ही गोली निकाल पाए हैं। 5 गोलियां अभी भी तनिष्का के शरीर में बाकी हैं। फिलहाल दुल्हन तनिष्का को गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी से छुट्टी मिल गई है। हालत थोड़ी और बेहतर होने पर कुछ दिन बाद तनिष्का का ऑपरेशन किया जाएगा। अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ, और उन दरिंदों को ना और कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और मैं आगे जाकर ना DSP पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं उनका सामना कर सकूँ, आगे वो मेरे को और मेरे परिवार वालों को परेशान ना करें, मेरे ससुर वालों को, घर वालों को, मेरे मम्मी पापा को, मेरे रिश्तेदारों को, किसी को खतरा ना हो उनसे, मैं उनका डट के सामना करूं। उनको ना सिर्फ सजाए मौत देनी चाहिए, ऐसे दरिंदों को सिर्फ, जो किसी को परेशान करते हैं, किसी को ऐसे मेंटली टॉर्चर करते हैं उनको। और कोई ये नहीं कि उसको जेल में डाल दिया, ये तो उनके लिए पार्टी होगी, ये कोई सजा थोड़ी ना। वे ऐसे बात कर रहे हैं किसी के साथ, ऐसे घूम रहे हैं जेल में भी, ये कोई सजा थोड़ी ना होती है। सजा तो हम जैसों को मिली हुई है, रोज रोज इंजेक्शन, कभी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, गोलियां खाने को मिल रही है। उनको क्या है, जेल में बैठे हैं वो तो, खाने का अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, ये मिल रहा है। मैं सिर्फ ये उम्मीद करती हूँ उनको सिर्फ सजाए मौत मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, बस DSP पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं उनका सामना कर सकूँ, आगे वो मेरे को और मेरे परिवार वालों को परेशान ना करे।